हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे ये जो करंट अफेयर्स है, इसका हम लास्ट डिवीजन करने वाले हैं। और जो 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ उसको समराइज़ करके एक बार फिर से पढ़ लेंगे, कि क्योंकि एग्जामिनेशन में अब एक दिन बचा है, तो ये अंतिम रिवीजन हम करंट अफेयर्स का कर रहे हैं। ये आपको अंतिम वीडियो मिल रही है करंट अफेयर्स की केवीएस के पहले। तो केवीएस का ये लास्ट रिवीजन है करंट अफेयर्स का। आप केवीएस एग्जामिनेशन से पहले एक बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हुए हैं लास्ट 6 महीने में, उन सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पर आप एक साथ एक बार देख लेंगे, कि पूरे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको मिस नहीं करना, वो सारे करंट अफेयर्स आप एक साथ यहाँ पे 6 महीने के एक बार देख लेते हैं। इसे रिवीजन के कह सकते हैं, या फिर आपने एट अ ग्लांस भी कह सकते हैं, करंट अफेयर्स एट अ ग्लांस, जिसमें कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 6 मंथ के थे, जो पूरे रिलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्टर पंकज कपूर की। इनको मिला है आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा का अवार्ड। ये जागरण फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ था, उसका 9th एडिशन है, वहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड्स की, नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2000। यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड जो है, ये मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, जो कि गुजरात में, और मांडू जो कि मध्य प्रदेश में। इन दोनों शहरों को बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है डिफरेंशियली एबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट, इस ये मिला है कुतुब मीनार को। मतलब जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन के लिए सबसे जो फ्रेंडली मॉन्यूमेंट है, जहाँ ये विजिट कर सकते हैं, ये है कुतुब मीनार। बेस्ट हेरिटेज वॉक, ये अवार्ड दिया गया है इंटेक हेरिटेज वॉक्स दिल्ली चैप्टर एंड इंदौर हेरिटेज वॉक को। नेक्स्ट है मोस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट, ये है 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली एंड कंकोर सो एंड कोरल सफारी ऑफ चेन्नई। इनको ये दिया गया मोस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है इन्हें। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये प्राइज मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये प्राइज मिलता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसको मिला है, तो डॉक्टर थॉमस यहाँ पे पुंका डीले, उन्हें ये प्राइज मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बायोलॉजिकल साइंस में यहाँ पे गणेश नागराजू हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है। केमिकल साइंस में राहुल बनर्जी को ये अवार्ड मिला है, और ये स्वाधीन कुमार मंडल हैं, उन्हें भी ये केमिकल साइंस में दो लोगों को मिला है, राहुल बनर्जी एंड स्वाधीन कुमार मंडल। नेक्स्ट है फिजिकल साइंसेज में डॉक्टर आदिति सेन डे, इन्हें ये अवार्ड मिला है फिजिकल साइंस में। और ये एक ओनली फीमेल विनर है इस साल की, जिन्हें कोई साइंस के क्षेत्र में कोई अवार्ड मिला है। और इसके अलावा डॉक्टर अम्बरीश घोष हैं, जिन्हें ये प्राइज मिला है फिजिकल साइंसेज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर अवार्ड का जो होता है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जो म्यूज़िक की फील्ड में होता है। ये एक बहुत ही फेमस म्यूज़िक कंपोज़र विजय पाटिल, जिन्हें जाना जाता है राम लक्ष्मण के नाम से, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है इस साल का। आगे बात करते हैं दादा साहेब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड 2018 की, ये मिला है सिमी गरेवाल को। नेक्स्ट है आसामीज फिल्म जोहिब बोटे, यहाँ पे डेमे लाइट रेनबो फील्स, ये जो है, ये इन्होंने टॉप 3 अवार्ड्स इन्हें मिला है 3rd लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ पे बात करेंगे एक्सिबोटे, यहाँ पे डेमे लाइट वॉन अवार्ड फॉर द, ये जो मूवी है, इसे अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्ट्रेस का, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें मिला है दीपनीता शर्मा को, और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है अनुराग साइकिया को। नेक्स्ट है कि एमिनेंट पोएट, इसका अवार्ड मिला है रामकंता रथ को। ये इट वाज कॉन्फर्ड विद द ओरिसा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ये अतिबदी जगन्नाथ दास सम्मान है जो 2018 का, उनको ये अवार्ड मिला है रामकंता रथ अवार्ड। नेक्स्ट है प्रेम वात्सा फाउंडर है फेयरफॉक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के, और ये प्रेजेंट करते हैं स्पेशल जूरी NRI ऑफ द ईयर अवार्ड 5th एडिशन ऑफ द टाइम्स नाउ एंड ICICI बैंक NRI ऑफ द ईयर अवार्ड 2018। सो इन्हें NRI ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2018 का, प्रेम वात्सा। नेक्स्ट है इंडियाज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM प्रोजेक्ट, ये जो बैक्ड हुआ है वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द अचीविंग मेनी डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है
डॉक्टर तपन कुमार चांद, इन्होंने एक अवार्ड रिसीव किया है जो है कि नॉलेज एक्सेलेंस अवार्ड, दैट इज 22nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नॉन फेरस मिनरल्स एंड मेटल्स 2018 का जो अवार्ड है ये मिला है डॉक्टर तपन कुमार चांद को। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू अवार्ड जो मिला है मिलन शंकर तारे को। नेक्स्ट है 2018 एशिया गेम चेंजर का अवार्ड मिला है फॉर्मर पेप्सी को सीईओ जो है इंदिरा नोई, इनको दिया गया है ये अवार्ड, गेम चेंजर अवार्ड। नेक्स्ट है 2018 का यूईएफए प्रेसिडेंट अवार्ड जो मिला है डेविड बैकहम को। नेक्स्ट है राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड जो दिया गया है 2018 का गोपाल कृष्ण गांधी को। जनरल दलबीर सिंह सुहाग, इन्हें अवार्ड दिया गया है यूएस लीजन ऑफ द मेरिट का, 2018 का अवार्ड इन्हें मिला है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को, यूएस लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड में दिया गया है। सुनील छेत्री, इनका नाम दिया है कि ये अवार्ड मिला है इनको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इंडिया, ये है कोलकाता से, ये अवार्ड जो दिया गया इनको कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया है सुनील छत्री को। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट एडिशनल डायरेक्टर जो है हेल्थ के एस के अरोड़ा, इन्हें अवार्ड दिया गया है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड नो टबैको डे 2018 अवार्ड इनको दिया गया है फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टोबैको कंट्रोल। सो इनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो टोबैको कंट्रोल में, इसके लिए एस के अरोड़ा को अवार्ड दिया गया WHO की तरफ से। नेक्स्ट कुछ और अवार्ड हैं जैसे कीर्ति चक्र का अवार्ड दिया गया है सिपोई वारामा पल सिंह को, शौर्य चक्र का अवार्ड दिया गया है मनोज आदित्य को, यहाँ पे शौर्य चक्र का अवार्ड दिया गया है स्लेन राइफल औरंगजेब को। नेक्स्ट है एनी जाइडी, इन्होंने जीता है द हिंदू प्ले राइट अवार्ड 2018 का। नेक्स्ट है अनवर सदत, इन्होंने ये है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड्स, ये पहले इंडियन है जिन्हें इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAAI जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF है, इन्हें अवार्ड दिया गया है मार्केटर ऑफ द ईयर का। सो ये आप इसको कॉमन नेम आप अमूल की कंपनी जो है आप अमूल के नाम से इसे जानते हैं, और इसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसकी अमूल कंपनी की आप दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ये वो कंपनी है। नेक्स्ट है थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे कौन कौन सी फिल्म को मिला है तो कैटेगरी देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वो बनीता दास जो को मिला है, जो विलेज रॉकस्टार के लिए मिला है। विलेज रॉकस्टार आसामीज एक फिल्म है, आसामीज लैंग्वेज की फिल्म है, आसाम में बनी हुई फिल्म है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है बनीता दास को। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है न्यूटन, जिसे जो बनाया गया किसके अमित मसूरकर को मिला है। नेक्स्ट स्पेशल ज्यूरी अवार्ड जो दिया गया विलेज रॉक स्टार को बाय रीमा दास। सो विलेज रॉक स्टार एक मूवी है जो पूरी डायरेक्ट भी की गई है रीमा दास के द्वारा, और पूरा जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो रीमा दास का है। नेक्स्ट है डॉक्टर BK मिश्रा नेम फॉर 2018 डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड एज अमाइंटमेंट में मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर, इन्हें BK मिश्रा को दिया गया है मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है सवाना आजमी नंदिता दास, इन्हें दिया गया है भारतीय मानवता विकास पुरस्कार, दिया गया है डेली इंडिया मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कुछ अदर अवार्ड्स जो भारतीय मानवता विकास पुरस्कार के अंदर मिले हैं। सो इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को दिया गया है ये अवार्ड, और लॉयर पर्मिला नेसार्गी एंड फेलेवा एग्नेस को भी दिया गया है। एक्टिविस्ट जो है यहाँ पे एक बेजवाडा विल्सन, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय, और सोशल वर्कर उमा तुली, और दलित राइट एक्टिविस्ट लेनिन रघुवंशी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट प्रवीण पाटकर, ग्रीन डिजाइनर अनिता आहूजा, और सोशल इंटरप्रेनर अतुल सतीजा को, ये सारे जो हैं भारतीय मानवता विकास पुरस्कार इन सारों को मिला है। नेक्स्ट है ल्यूका मॉड्रिक, ल्यूका मॉड्रिक जो है उन्हें मिला है UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड। नेक्स्ट है UEFA अवार्ड्स के बारे में, मिडफील्डर ऑफ द सीजन ल्यूका मॉड्रिक को मिला है द बेस्ट वुमेन्स प्लेयर अवार्ड, जो मिला है वो परनीले को मिला, बेस्ट वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड परनीले हार्डर
ऑफ डेनमार्क एंड वोल्फ्सबर्ग को मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द सीजन का अवार्ड केयलर नावास को मिला है, और बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है सर्जियो रैमोस को। सो फॉरवर्ड ऑफ द सीजन का अवार्ड है रोनाल्डो को मिला है। नेक्स्ट है जापानीज स्विमर का नाम, जिनका नाम है रिकाको इकी, सो इनको मिला है फर्स्ट फीमेल एथलीट, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है यहाँ पे एट द एशियन गेम्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फर्स्ट जो यहाँ पे फीमेल है जिन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एट द एशियन गेम्स का अवार्ड मिला है, रिकाको इकी इनका नाम है, जैपनीज है। और सानिया मिर्जा को ऑनर दिया गया है हीरो बिहाइंड द हीरोज़ बिहाइंड द हीरोज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, इन्होंने 5 अवार्ड्स इन एट द कंक्लूडिंग सेरेमनी 20th माइन एनवायरमेंट एंड मिनरल कंजर्वेशन वीक में इन्हें 5 अवार्ड से सम्मानित किया गया है नालको को। नेक्स्ट है नोटेड ओडिया पोएट, सो यहाँ पे एक उड़िया पोएट है, उड़िया कवि है जिनका नाम है शत्रुघ्न पांडव, इन्हें ऑनर किया गया है प्रेस्टीजियस सरला पुरस्कार से इनके पोएट्री कलेक्शन के लिए, जिनका नाम है मिश्रा ध्रुपद। नेक्स्ट है ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्होंने रिसीव किया है मेराइल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सलेंस। नेक्स्ट है अरुण चिन्नायन, इन्हें मिला है एन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, हैज बीन अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है रिनोन्ड साइंटिस्ट और भारत रत्न अवार्डी CNR राव, ये ने कॉन्फर्ट किया गया है द ऑनरी ऑफ DSE एट द 6th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन कोलकाता में। नेक्स्ट है इंडिया बॉर्न स्टूडेंट राजलक्ष्मी नंद कुमार को यंग स्कॉलर अवार्ड दिया गया है USA में। नेक्स्ट है पोएट एंड राइटर सवाई सिंह शेखावत, जिन्हें ऑनर किया गया है मीरा पुरस्कार ऑफ राजस्थान से। नेक्स्ट है टाटा स्टील, इट वॉज नेम्ड स्टील इंडस्ट्री लीडर ग्लोबली वॉज द डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2018 का अवार्ड इन्हें दिया गया है टाटा स्टील को। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड रिसीव द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी वर्ल्ड नंबर वन एयरपोर्ट अवार्ड ट्रॉफी फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर। सो दूसरा लगातार वर्ष है जो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी सर्विस के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है केरला टूरिज्म बैग्स पाटा अवार्ड फॉर इनोवेटिव एंड कैंपिंग। सो केरला टूरिज्म बैग ने फर्स्ट गोल्ड फॉर इट्स याला केरला प्रिंट मीडिया कैंपिंग इन गल्फ कंट्रीज। सो सेकेंड गोल्ड अवार्ड जो है वो केम फ्रॉम इनोवेटिव पोस्टर ऑफ केरला टूरिज्म हैड डेवलप फॉर द 3rd एडिशन ऑफ कोची म्यूजरिस एंड बिनेनाले KMB द बिगेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट शोन इन साउथ एशिया। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, इन्होंने प्रेजेंट किया है राजभाषा कीर्ति अवार्ड, पंजाब नेशनल बैंक को ये अवार्ड दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस। सो हिंदी दिवस के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक को राजभाषा कीर्ति अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 2018 खेल रत्न अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, एक है विराट कोहली और दूसरा है मीराबाई चानू। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, विराट कोहली मीराबाई चानू, 2018 का खेल रत्न अवार्ड इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट है इंडियन एरिस्टे उस्ताद इकबाल अहमद खान, जिन्होंने टॉप ऑनर एट द फर्स्ट इट्स काइंड इंटरनेशनल मैक्यूम म्यूजिक फेस्टिवल, इन्हें कव्वाली का फेस्टिवल था जिसमें उस्ताद इकबाल अहमद खान ने टॉप ऑनर इन्हें मिला है, इंडियन आर्टिस्ट हैं ये। नेक्स्ट है डॉक्टर रघुपति सिंघानिया, इन्हें कॉन्फेड किया गया है विद द मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल, द हाइएस्ट ऑनर अकॉर्डिंग टू द नॉन नेशनल्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट डायरेक्टर वेसन बाला, एक्शन थ्रिलर मर्द को दर्द नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टर है वेसन बाला जिन्हें इनकी मूवी थी मर्द को दर्द नहीं होता एंड द मैन हु फील्स नो पेन हैज़ वॉन द टॉप अवार्ड जो है ग्रोलोस पीपल्स चॉइस मिड नाइट मैडनेस अवार्ड एट द 43rd टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट है ऑल वुमेन क्रू इन INSV तारिणी वॉन द ट्रेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर कंप्लीटिंग द चैलेंजिंग टास्क ऑफ सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर 8 मंथ्स।
नेक्स्ट है अनुष्का शर्मा, इन्हें अवार्ड मिला है बेस्ट टॉन विद द प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है एट द 34th एडिशन ऑफ प्रियदर्शनी अकेडमी ऑफ अकेडमी ग्लोबल अवार्ड। नेक्स्ट है क्रोएटिया, ल्यूका मॉड्रिक को अवार्ड मिला है, वॉन फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ल्यूका मॉड्रिक को। नेक्स्ट है चेचन एक्टिविस्ट ओयुब टिटिव, इन्होंने यूरोपियन राइट्स अवार्ड मिला है इन्हें वैक्लव हैवेल प्राइज। नेक्स्ट है इंडस टावर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी आउटसाइड चाइना, वॉन द डेमिंग प्राइज 2018। नेक्स्ट द रामिनी फाउंडेशन्स आउटस्टैंडिंग पर्सन अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद। माता वैष्णो देवी सरीन, ये वैष्णो देवी का मंदिर है जिन्हें प्रेस्टीजियस क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस का अवार्ड मिला है, मतलब सबसे सफाई गिरी, तो ये अवार्ड है सफाई गिरी समिट एंड अवार्ड्स में इन्हें अवार्ड मिला है सबसे साफ सुथरे प्लेस का। UNHCR यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2018 नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है डॉक्टर इवान अतार आधा को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओडिया हॉकी प्लेयर, यहाँ पे ओडिया हॉकी प्लेयर जो है लिलिमा मिंज, इन्हें प्रेस्टीजियस एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2018 का। नेक्स्ट है नोबेल प्राइजेस की बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज दिया गया है डेनिस मुकवेजे एंड नादिया मुराद को। नादिया मुराद और डेनिस मुकवेजे, इन दोनों को नेशनल नोबेल पीस प्राइज मिला है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है वो फ्रांसिस एच एर्नॉल्ड को मिला है, जॉर्ज पी स्मिथ और सर गॉर्गी पी। फिजिक्स में मिला है आर्थर आशकिन को, गेरार्ड मॉरिस और डोना स्ट्रिकलैंड को ये अवार्ड मिला है। और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज जेम्स पी एलिसन एंड टेसुको होंजो को ये अवार्ड मिला है। न्यू एकेडमी प्राइज इन लिटरेचर जो मिला है ये गुडेलोपियन नॉवेलिस्ट मैर्सी कोंडे को मिला है। और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है वो विलियम नॉर्डिस एंड पॉल रोमर को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है ये विशन सिंह बेदी जो पूर्व इंडियन कैप्टन रह चुके हैं और इन्हें अवार्ड मिला है डॉक्टर एम ए चिदम्बरम, ये बर्थ सेंटेनरी अवार्ड है जो इन्हें मिला है। नेक्स्ट है फर्स्ट मुफ्ती मोहम्मद सैयद अवार्ड फॉर द प्रॉबिटी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, ये एनएन वोरा जो है वहाँ के गवर्नर उनके द्वारा दिया गया है नीतीश कुमार को। समुद्र मंथन केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ये भंडारकर शिपिंग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को। नेक्स्ट है ये मशहूर टीवी एक्टर हैं जिन्हें जो फेमस हैं इन्हें अवार्ड मिला है सुधीर डालवी, जिन्हें जानकवि पी सवालश्रम अवार्ड का से सम्मानित किया गया। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो दिया गया है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है। फर्स्ट राज कपूर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन सिनेमा रमेश सिप्पी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर एट लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स ये मिला है शत्रुघ्न सिन्हा को। बैंको अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव बैंक ऑफ द सेरेमनी हेल्ड इन हैदराबाद ये मिला है भुज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिला है, फिल्म फ्रेंडली जो स्टेट है ये मध्य प्रदेश को मिला है। लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू मीडिया बाय ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये मिला है इंदु जैन को। और गुलेरमो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज यूनेस्को के द्वारा ये प्रेस के लिए क्षेत्र में मिलता है तो ये मिला है महमूद अबू जैद को। फर्स्ट इजिप्शियन जिन्होंने विन किया है इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड उनका नाम है मोहम्मद साला। नेक्स्ट है द बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड इन इंडिया जो दिगंबरपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है मराठा फेरल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन वुमेन्स एम्पावरमेंट ये दिया गया है नादिया शाफी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मराठा फेरवेल अवार्ड एक्सलेंस इन वुमेन्स एम्पावरमेंट दैट इज नादिया शाफी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP अवार्ड ये दिया गया है सब्यसाची
कर्चर को. नेक्स्ट है बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म अवार्ड BFSI लीडरशिप अवार्ड, ये दिया गया आदर्श क्रेडिट को. VK कृष्णा मेनन अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन डायस्पोरा, ये दिया गया है महेंद्र चौधरी को. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द रेड इंक अवार्ड्स इन मुंबई, ये दिया गया है मार्क तूली को. 2017-18 टी के रंगनाथन अवार्ड जो दिया गया है वो प्रजनेश गुणेश्वरन को दिया गया है. नेक्स्ट है डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ड्यूरिंग बिजनेस वर्ल्ड डिजिटल इंडिया समिट अवार्ड 2018, ये दिया गया है नर लोकेश को. नेक्स्ट है UK एंड एशिया इंस्पिरेशनल बिजनेस लीडर अवार्ड, ये दिया गया है डॉक्टर गुरु एन रेड्डी को. SP गोपाल प्लैट्स ग्लोबल मेटल अवार्ड 2018 NNDC लिमिटेड को दिया गया है. वेस्ट बंगाल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि बंगा विभूषण है, ये दिया गया बंगा विभूषण का अवार्ड आशा भोसले को. ब्रिक्स बिजनेस फॉर्म लीडरशिप अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये दिया गया है श्रीदेवी को. मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर 2018 फॉर हर बुक टाइटल फाइट्स, ये दिया गया ओल्का टोकरजुक को. सो ये थे हमारे लास्ट करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर लास्ट 6 मंथ. सो आई होप दिस रिवीजन इज एनफ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. दिस विल रियली हेल्प यू इन द अपकमिंग KVS एग्जामिनेशन. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.